हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आपको सभी का स्वागत है टू द पॉइंट चैनल में, जहाँ पे होती है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें, कुछ बकवास नहीं। तो अगर आप ऑथेंटिक चीज़ें पाना चाहते हो, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, ऑथेंटिक पढ़ाई करना चाहते हो, उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, नहीं तो बाद में पछताओगे। मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक है कि ग्रुप डी का जो सेवेंथ फिफ्थ एग्जाम वो कब होने वाला है, वो मैं प्रूफ के साथ बोलूँगा, कुछ बकवास नहीं। तो आपको रिक्वेस्ट है, वीडियो को एकदम लास्ट तक दिखेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, क्योंकि मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करता। तो आपको रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक दिखेगा। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, सुना मतलब रेलवे बोर्ड डिप्रेशन में आके हमने इसी तरह लेवल का ट्वीट किया था कि खुद चेयरमैन जो थे, पहले चेयरमैन वीके यादव, अभी तो वो नहीं है, मतलब रेस्टिगेशन हो गया उनका, उन्होंने खुद आके बोला था फेस दिखा के, मतलब कितना बड़ी बात है कि रेलवे का सब एग्जाम प्रोसेस में चलेगा और कंप्लीट हो जाएगा 2021 या 2022, मतलब एक साल के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट हुआ था दिसंबर 28 रेलवे मिनिस्ट्री एग्जाम, आप दिमाग में घुसा लो। तो उन्होंने जैसे बोला था कि एक साल के अंदर सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर आपको मेरे बात में विश्वास नहीं तो आप उनके वीडियो चेक कर सकते हो, उन्होंने खुद बोला था। तो आप सुनो, दिसंबर 28 से हमारा एग्जाम स्टार्ट हुआ था रेलवे का, मिनिस्ट्रल हो जो भी रेलवे डिपार्टमेंट का, तो वो दिसंबर 28 2020 से दिसंबर 28 2021 तक एक साल हो जाता है। तो उनके ऊपर जरूर प्रेशर पड़ गया कि एग्जाम जल्द से जल्द हो जाए। अगर आप अभी समझ नहीं पा रहे हो तो सुनो, जिस तरह उन्होंने बताया था, देखो उसी तरह एनटीपीसी चल रहा है, ठीक ठाक पूरा लाइन बाय लाइन चल रहा है, और उसी तरह उन्होंने ग्रुप डी के बारे में भी बताया था कि 21 अप्रैल में होगा ग्रुप डी एग्जाम होगा। आप अच्छे से नोटिस करो, अगर थोड़ी बहुत देर होगा इस कोरोना की वजह से, एग्जाम तो कभी भी रुकने वाला नहीं है, गारंटी देके बोलता हूँ। ओके, तो उन्होंने बोला था 21 अप्रैल, शायद 21 अप्रैल से स्टार्ट हो जाए। नोटिफिकेशन तो अभी आ जाएगा 10 या 15 तारीख को, नहीं तो मैक्सिमम तो 21 तारीख तक, उसके बाद मई फर्स्ट वीक से एग्जाम होने का 99% चांस है। ये मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। तो आप पूरी मत हो, मतलब इतना दिमाग में मत बुरा कि एग्जाम होगा नहीं होगा नहीं होगा, एग्जाम जरूर होगा, होगा जरूर होगा। रेलवे के खुद आके चेयरमैन बोला था, उनकी इज्जत का सवाल है, मैं ये ऑथेंटिक बातें बोल रहा हूँ। एक साल के अंदर, या अगर ग्रुप डी की बातें बोलूँ तो 2022 में अप्रैल या मई में तक ज्वाइन लेटर हमारा आ जाएगा, जिस जिसका सिलेक्शन होगा। तो मुझे आशा है आपको ये प्रूफ बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा और कुछ टॉपिक जानना चाहते हो, क्योंकि इस चैनल पे मैं जो भी बोलता हूँ SSC आर्मी रैली के लिए ऑथेंटिक बातें बोलता हूँ। अगर ऑथेंटिक बातें जानना चाहते हो, बकवास नहीं, टू द पॉइंट, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाई आपको करूँगा टू द पॉइंट, और नोटिफिकेशन जो एग्जाम, जो कुछ भी एग्जाम रिलेटेड आपको जल्द पहुँचेगा, जो भी मैं नोटिफिकेशन मतलब एग्जाम निकलेगा। तो आज के इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।